सो हेलो एवरीवन गाइस, ये है HDFC बैंक के क्वार्टर वन के रिज़ल्ट। तो आगे यहाँ पर देखेंगे कि इस शेयर के रिजल्ट्स यहाँ पर कैसे रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर इस शेयर के टोटल इनकम से। तो ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो अराउंड 57,816 करोड़ था, जो क्वार्टरली बेसिस में 83,701.25 करोड़ हो गया है। क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर जो शेयर की इनकम है वो इंक्रीज़ हुई है। अब बात करेंगे टोटल एक्सपेंसिस की, तो वो ईयरली बेसिस में 39,044 करोड़ था, जो क्वार्टरली बेसिस में 59,816.61 करोड़ हो गया है। इनकम के साथ साथ यहाँ पर शेयर के एक्सपेंस भी इंक्रीज हुए हैं। बात करते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट की, तो वो ईयरली बेसिस में 11,951.77 करोड़ था, जो क्वार्टरली बेसिस में 16,174.75 करोड़ यहाँ पर हो गया है। अर्निंग पर शेयर को देखते हैं, तो वो ईयरली बेसिस में 21.40 रुपये था, जो क्वार्टरली बेसिस में 21.28 रुपये हो गया है। ओवरऑल एनालाइज करने के बाद देख सकते हैं शेयर के रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिले हैं। इस मंथ तक का शेयर का मैक्सिमम टारगेट देख लेते हैं, तो वो 1,625 रुपये के राउंड तक यहाँ पर रहने वाला है। और होल्ड करके रखना चाहे तो आप इस शेयर को यहाँ पर जो है वैसे अपने ओन रिस्क में होल्ड कर सकते हैं। रिजल्ट जो है शेयर के बढ़िया देखने को मिले हैं, तो लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से भी शेयर को जो है होल्ड करने के लिए सेफ़ है।